Hello everyone. सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लो सेशन को शेयर कर दोगे बच्चों के साथ ताकि बाकी सारे बच्चे आ जाए और एक बार मुझे बतला दोगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं ओके तो मैंने यहाँ पे कमेंट कमेंट ले लूँगा मैं यहाँ पे तुम्हारा ओके हाँ ठीक है अब ठीक है ओके चलो तो देखो आज का जो सेशन है वो हमारा हमने एक्चुअली क्लास एलेवंथ का दो चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है क्लियर है ना चैप्टर वन तो पूरा ही हो चुका है तीन वीडियोज़ मैंने डाले थे उसके चैप्टर टू के तीन डाल चुका हूँ एक लास्ट वीडियो चैप्टर टू का तुम्हारा कल आ जाएगा दस बजे सुबह में तो तुम्हारा चैप्टर टू भी कंप्लीट हो जाएगा क्लियर है ना तो चैप्टर वन का जो एमसीक्यू था वो हमें करना बाकी था तो वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ओके चैप्टर टू के एमसीक्यू देखने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे देखोगे जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ अभी तक बच्चे आए नहीं हैं क्योंकि जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाए यहाँ पे यहाँ पे तीन चार चलो कोई नहीं तो सेशन को शुरू करेंगे अब यहाँ पे हम लोग बस एक मिनट में वेट करता हूँ फ़िलहाल जल्दी से इसे शेयर कर दोगे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर जहाँ भी पॉसिबल हो शेयर कर दोगे ताकि बच्चे जुड़ जाएँ और एक बार कमेंट करके बतला दोगे ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं अगर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके okay? यहाँ पे जैसे कि देख रहे होगे गे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे तुम्हारे तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग टोटल हमारे पास आज एटी क्वेश्चन के आसपास होंगे क्लियर है ना जिसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और असन रीजन क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड हैं ओके तो चलो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी ए कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाई बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग यानी कौन सा फीचर है जो कि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी शो करता है बेसिकली क्लियर है ना एंड द ऑप्शन आर ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबोलिज्म और इज इट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो देखो अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में तुमने पढ़ा था ना दो तरह का द फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सट्रेंजिक द second वन इज कॉल्ड intrinsic. तो ये दो तरह का ग्रोथ दिखा था तुम्हें एक्सट्रेंजिक ग्रोथ तुम्हें याद करो जो नॉन लिविंग थे वहाँ पे दिख रहा था और इंट्रेंजिक ग्रोथ तुम याद करो जो लिविंग थे वहां पे दिख रहा था क्लियर है ना ये बॉडी के अंदर वाले मास में बढ़ोतरी थी और ये बाहर से था क्लियर है ना तो यहाँ पे दोनों में तो दिख ही गया तो आंसर तो तुम्हारा ए ही जाएगा रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉन लिविंग में तो होता ही नहीं है हाँ ये बात अलग है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन कुछ कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो स्टराइल होते हैं इनफर्टाइल होते हैं जैसे बर्कर्स भी हो गए या इनफर्टाइल कपल हो गए तो उन सब में रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्लियर है ना सो दैट इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बट एटलीस्ट नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना एंड हेयर द क्वेश्चन है इसकी जो दोनों में मौजूद हो तो ये नॉन लिविंग में तो नहीं है तो ये तो नहीं होने वाला है देन मेटाबोलिज्म तुम्हारा सिर्फ लिविंग में होता है क्लियर है ना ये तुम्हारा सिर्फ लिविंग में होता है और सेल और ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारा सिर्फ लिविंग में होता है क्लियर है ना सो आंसर कहाँ जाएगा आंसर विल भी ऑप्शन ए क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़ें ऑप्शन ए तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज क्वेश्चन नंबर टू एमंग द फॉलोइंग इंक्रीज़ इन बॉडी मास क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी मास में कैन बी टेकन एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है अगर बॉडी मास में क्लियर है ना लेकिन कहाँ से हो रहा है ये नहीं बता रहा है कि अंदर से हो रहा है या बाहर से हो रहा है तो इसे ग्रोथ बेसिकली ग्रोथ तो बोलेंगे ही लेकिन इसे इंट्रेंजिक बोलेंगे एक्सट्रेंजिक बोलेंगे ये ऐसा कुछ दिया ही नहीं है क्लियर है ना आयुष रंजन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आंसर इज सी ओके चलो देखते हैं आयुष तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सिर्फ बॉडी मास में क्लियर है ना लेकिन कहाँ हो रहा है ये बताया ही नहीं गया है क्लियर है ना एक्सट्रेंजिक है कि इंट्रेंजिक है तो बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ होगा इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही क्योंकि इधर यहाँ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इंट्रेंजिक ग्रोथ तो हो ही रहा है या इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रेंजिक हो रहा है यहाँ पे देखो इनसाइड से बॉडी मास बढ़ रहा है और यहाँ आउटसाइड एकूमुलेशन की वजह से बढ़ रहा है तो दोनों में ही तो बढ़ रहा है ना बॉडी मास सो आंसर विल बी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आयुष ओके तो यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके okay? और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दोगे दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़ जाए ठीक है ना आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ मेनी इन नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से इनमें से कौन कौन आते हैं क्या वो ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है मेटाबॉलिज्म है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है एंड कॉन्शियसनेस है तो यहाँ पे चलो देखते हैं आंसर आया है आयुष का थर्ड थ्री अच्छा थ्री बोल रहे हो तो ऑप्शन बी मतलब चलो देखते हैं देखो ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजिक ग्रोथ भी हो रहा है याद है ना रिप्रोडक्शन भी नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन में याद करो कुछ ऐसे भी लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म थे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे थे मेटाबॉलिज्म बिल्कुल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है और साथ ही साथ कॉन्सियसनेस भी है सुनो यहीं पे एक चीज़ ध्यान देना अगर यहाँ सेल्फ कॉन्सियसनेस होता अगर यहाँ सेल्फ कॉन्सियसनेस होता तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता क्योंकि सेल्फ कॉन्सियसनेस तुम्हारा ह्यूमन में पाया जाता है याद है ना तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस भी आएगा सो दैट मीन्स थ्री ना तो आंसर विल बी ऑप्शन बी ओके तो चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग ओके क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर से इज अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी दिए गए एक बार कलर चेंज कर लो हाँ यहाँ पे जो भी दिए गए उनमें से हमें क्या करना है करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्लियर है ना वो स्टेटमेंट्स क्या क्या है समझना uh, इन मेजोरिटी ऑफ़ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक्सक्लूसिव मीन्स समझते हो अलग अलग एक्सक्लूसिव मीन्स अलग अलग तो अगर बड़े हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो ग्रोथ और साथ साथ रिप्रोडक्शन दोनों दो अलग अलग इवेंट होते हैं क्लियर है ना और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है क्लियर है लेकिन हाँ अगर याद करो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते हैं यहाँ पे तो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं ना याद करो दोनों एक ही साथ चलते हैं क्लियर है पता ही नहीं चलता है कि रिपोर्डक्शन हुआ है कि ग्रोथ हुआ है क्लियर है आगे बढ़ते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ इज बाई एक्मुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस ये भी बिल्कुल सही है दिस इज कॉल्ड वॉट एक्सट्रेंजिक ग्रोथ ना

एंडल तो देखो दैट इज कॉल्ड कॉन्सियसनेस ना ये क्या है तुम्हारा ये कॉन्सियसनेस के बारे में बोल रहा जा रहा है और कॉन्सियसनेस तो सारे ऑर्गेनिज्म में होते ही है ना सो आंसर विल बी कि जिसमें सारे के सारे, सारे सही हो दैट इज ए बी सी डी अच्छा डी सी हो गया इट डजेंट मैटर है तो सारे प्रेजेंट ना सो आंसर विल बी ऑप्शन डी आगे बढ़े हैं देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं इन दोनों को मैच करना है और उसके बाद हमें क्या करना है तो सही आंसर टिक करना है चलो जल्दी से करो इधर फंगी अमिवा हाइड्राइस्ट प्लान एरिया और इधर तुम्हारे उसके मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन दिए गए हैं क्लियर है, है ना तो जल्दी से इसे एक बार मैच कर लोगे चलो देखते हैं यहाँ ऑप्शन आंसर आया डी टी पिछले वाले का बोल रहे थे कि चलो कोई नहीं आया तो एक बार जल्दी से आगे के आंसर्स दोगे और सारे बच्चों को एक बार शेयर कर दोगे यार बच्चे आ नहीं रहे हैं अभी तक आज संडे मना अच्छा संडे तो है भी नहीं आज मंडे मना रहे हैं तो कोई बात नहीं चलो देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सबसे पहला देखते हैं फंगी तो फंगी में तुम्हारा क्या होता है फंगी में तुम्हारा होता है स्पोर्ट्स बनते हैं ना फंगी में तुम्हारे स्पोर्ट्स बनते हैं अमीबा में अगर बात करें तो बिल्कुल बाइनरी फीजन होता है ईस्ट और हाइड्राम बात करें तो बडिंग होता है और प्लेनेरिया में बात करें तो ट्रू रीजनरेशन होता है दैट इज़ वन टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री क्लासेस थे ना सर ऑनलाइन अच्छा क्लासेस होते हैं ऑनलाइन ओके कोई नहीं तुम्हारा क्लास नहीं था या यूज़ अगर क्लासेस है तो जा सकते हो इसके तो बाद में भी देख सकते हो डेजेंट मैटर ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ही तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा वन टू फोर थ्री के फॉर्म में आंसर होना चाहिए एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओके आगे बढ़ें यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल एलेक्जेंडर एग्रेसिज प्रोफेसर ऑफ जुलोजी एमरीटस ये किन्हें दिया गया था जल्दी से बतलाओगे ऑप्शन आर पी माहेश्वरी आर मिश्रा ई मेयर एंड जी एन रामाचंद्रन तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्टली तुम्हारे एनसीईआरटी के जो सबसे फ्रंट पेज में होता है ना साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन वहीं से ये लिया गया था एंड दिस इज टोल्ड अवॉर्ड अंस्ट मेयर एक्चुअली क्लियर है ना देखो चाहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ ये एक मिनट रुकना यहाँ पे देखो ये यह देखो, यह देखो।, यह देखो। यहाँ पे देखो यहाँ पे यह एंस्ट का फोटो दिख रहा होगा तुम्हें और यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफेसर ऑफ जुलोजी एमरिटस दिखा या नहीं दिखा नहीं दिखा तो देखो दिखाता हूँ अभी तुम्हें एक मिनट एक मिनट बस हाँ देखोगे यहाँ से देखो दिख रहा है ना तो इन्हें ये टाइटल दिया गया था क्लियर है एक मिनट रुकना तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है देखोगे ए इन ब्लैक इन यहाँ पे ए ब्लैंक है यानी ए आएगा आ, ग्रोथ वाई सेल डिजन अकर्सली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन एंड इन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन तो कौन है इसमें से प्लांट और एनिमल या प्रो कैरियोट और यू कैरियोट में से जिसमें कि सेल डिविजन पूरे लाइफ चलता है तो पूरे लाइफ तुम्हारा कहाँ चलता है प्लांट में चलता है याद करो और वही अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही चल पाता है ग्रोथ क्लियर है ना उसके बाद ग्रोथ तुम्हारा रिटायर्ड हो जाता है सो दैट आंसर विल बी प्लांट एंड एनिमल दैट इज ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ओके okay? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखने हैं और जो गलत हो उसे हमें सेलेक्ट करना है माउंटेन्स बॉन्डर्स एंड सैंड मॉल्स डू ग्रो इफ बी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ ये बिल्कुल सही है क्लियर है ना क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक्सट्रेंजिक ग्रोथ होगा यहाँ पे तुम्हारा एक्सट्रेंजिक ग्रोथ होगा ओके तो देन और ये स्टेटमेंट तुम्हारे एनसीआरटी का है तुमने पढ़ा भी होगा मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स स्ट्राइल बर्कर्स बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन्स कपल डू नॉट प्रोड्यूस एट ऑल ये भी सही है क्लियर है ना इसीलिए तो रिप्रोडक्शन को तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं डाला गया था याद करो एंड नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लीकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंट्रेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमलाई बिल्कुल सही है दिस इज द कंसिस्टेंस एक्चुअली क्लियर है ना और लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं आइसोलेटेड मेटावोलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स बिल्कुल नहीं ये लिविंग थिंग्स नहीं है ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है ये सिंपली क्या है तो ये तुम्हारे लिविंग रिएक्शंस कंसीडर कर सकते हो इसे क्लियर है ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है और इसीलिए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ तक समझ में आया आगे बढ़ते हैं देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन आर रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन आइसोलेटेड मेटाबोलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट सेवरली लिविंग रिएक्शन ये तो बिल्कुल सही है ना अभी तो अभी अभी तो बताया मैंने क्लियर है ना कि लिविंग थिंग्स नहीं है बट हाँ लिविंग रिएक्शन जरूर है क्लियर है आगे देखते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अक्रिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबोलिज्म बिल्कुल सही है जिसमें तुम कैटोग्राइजेशन uh, भी करते हो कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म जो भी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम सिंपली मेटाबोलिज्म बोलते हैं क्लियर है ना द नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रो कैरियोड टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यू कैरियोट सब सेल्फ कॉन्सियसनेस देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ना सेल्फ कॉन्सियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस याद करना सिर्फ ह्यूमन में है तुम्हारा क्लियर है लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे ही ऑर्गेनिजम है ये तो गलत बात है ना देन द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑट सेट द बॉडी इन सेल्फ्री सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे इन विट्रो सिस्टम है ना यहाँ पे सेल थोड़ी होता है यहाँ पे तो टेस्ट ट्यूब में करते हैं ना यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर देते हैं मेटाबोलिक रिएक्शन को तो सी तुम्हारा गलत स्टेटमेंट है से विल बी द राइट आंसर बिल्कुल सही आयुष आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टेन बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ जल्दी से बतलाओगे बायोलॉजी के में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं बायोम लाइफ फॉर्म लिविंग प्रोसेसेस या बोथ बी एंड सी जल्दी से बतलाओगे तो देखो बायोम बेसिकली क्या होता है ना बायोम तुम्हारा आ, वो इन्वामेंट एक तरह से हो गया क्लियर है ना हैबिटेट टाइप ओके और लाइफ फॉर्म्स मीन्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उसके अंदर होने वाले जो भी प्रोसेस हैं क्लियर है तो इन सभी के बारे में तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर डी चला जाएगा बिल्कुल सही आयुष ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज बोथ बी एंड सी आगे बढ़ें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात करते हैं तो ग्रोथ कहाँ से होता है आउटसाइड इनसाइड दोनों साइड से या नन तो अभी अभी बताया मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इंट्रेंजिक होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रेंजिक होगा क्लियर है ना तो ग्रोथ तुम्हारा इनसाइड से होगा क्लियर है ना तो यहाँ पे ए क्यों कर रहे हो ए नहीं बी होगा है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इंट्रेंजिक ग्रोथ होगा अंदर से होगा क्लियर है ना अगर यही नॉन लिविंग होता तो एक्सट्रेंजिक होता और वहाँ पर ग्रोथ बाहर से होता है क्लियर है ना बाहर से accumulation होता है ना substances का चलो आगे बढ़ते हैं सेल्फ कॉन्सियसनेस सेल्फ कॉन्सियसनेस दैट इज द अवेयरनेस ऑफ हेम सेल्फ ओके इज द प्रॉपर्टी ऑफ तो ये तो किसकी प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया ना ह्यूमंस की यहाँ पे जल्दी स्टिक कर लो गए ह्यूमन ह्यूम विंग्स ऑनली ओके और कहीं पे ये देखने को नहीं मिलता है तुम्हारा ओके okay? आगे बढ़ते हैं अंस्ट मेयर वॉज ए अंस्ट मेयर क्या थे भाई जियोग्राफर थे बायोकेमिस्ट थे जोलॉजिस्ट थे या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे तो ये मेयर के बारे में एन सी आर टी ने लिखा है कि ही वॉज एन इवोलुशनरी बायोलॉजिस्ट ओके सो द डी विल बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट अवॉर्ड द रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोम क्लेचर बायोनोमियल नोम क्लेचर के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे ध्यान देना जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे हमें सेलेक्ट करना है तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये ऑप्शन क्या है तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे आ नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एंड रिटेन इन एब्रिविएटेड फॉर्म तो देखो पहले तुम्हारा जीनस का नाम होता है देन तुम्हारा स्पेसिस का नाम होता है एंड देन तुम्हारा साइंटिस्ट का नाम होता है क्लियर है ना या यू का जो भी ऑथर है ना उनका नाम होता है क्लियर है जैसे पढ़े थे ना मैंगी फेरा इंडिका लिन ओके इस तरह से तो ये और वो भी शॉर्ट फॉर्म है तो ये देखो आ, स्पेसिस के बाद ही तो आ रहा है तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना तुम्हारा आगे बढ़े बोथ द दर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम एंड हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर इटैलिक और तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि दोनों वर्ड्स को हम क्या करेंगे तो दोनों वर्ड्स को हम आ, जब हाथों से लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे ताकि उसके इटैलिक ऑरिजिन को यहाँ पे दिखाया जा सके तो बिल्कुल नहीं इटैलिक ऑरिजिन दिखाने के लिए ना हम इसे बेसिकली आ, क्या कर देते हैं तो याद करो फॉन्ट को ना टिल्ट कर देते हैं क्लियर है ना इटैलिक फॉन्ट में डालते हैं उसे क्लियर है तो ये तो तुम्हारा गलत है देन द नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स बिल्कुल टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन यहाँ पे देखो इटैलिक ऑरिजिन काट दोगे यहाँ पे भी लैटिन ऑरिजिन होना चाहिए क्लियर है ना यहाँ पे लैटिन ऑरिजिन कर लोगे कंफ्यूजन है यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लोगे इसे क्लियर है ना तो यहाँ पे ये देखो सही है बायोलॉजिकल नेम को इटैलिक में प्रिंट करते हैं ताकि उनके लैटिन ऑरिजिन को बताया जा सके कि ये लैटिन वर्ड से डेराइव किए गए हैं क्लियर है ना देन द नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर और ने फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरजिन बिल्कुल ये एनसीआर टी का स्टेटमेंट है तुम्हारा क्लियर है ना यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट को मैं दिखाता हूँ तुम्हें जल्दी से लेकिन यहाँ पे समझना एक मिनट बस कहाँ गया बायोलॉजिकल नोमिनचर बस एक मिनट रुक जाओ हाँ देखो ये चार पॉइंट्स है ना देखो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक क्लियर है ना तो दे आर लैटरइज डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन समझ रहे हो दायोलॉजिकल ने स्पेसिफिक ओके बोथ दर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेपरेटली टू इंडिकेट देर लैटिन ऑरिजिन समझ में आ रहा है ना क्लियर है तो इस तरह से ओके okay? आगे बढ़ें तो यहाँ पे आ, ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा सही है तो गलत कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी ना सो बी विल बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है आयुष आगे बढ़ते हैं यहाँ पे

कि uh, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना और साथ ही साथ उनके डाइवर्सिटी के बारे में और इसके साथ साथ जो भी रिलेशनशिप है इसमें क्लियर है ना क्लियर है यानी जो भी ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप है उनके बारे में भी जानना तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं दिस इज़ सिंपली नोन एज सिस्टमेटिक्स क्लियर है रहे रहे ना ये याद रखोगे तुम्हें एन का लाइन यहाँ पर दिया गया है क्लियर है ना तो इसे हम क्या बोलेंगे फिफ्टीन सी बिल्कुल सही है Uh, नहीं सी सी बोल रहे हो नहीं 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 बी सही है यहाँ पे सिस्टमैटिक्स बोलेंगे इसे आयुष ओके करेक्ट कर लोगे सिस्टमैटिक्स बोलेंगे इसे क्लियर है ना तो दिस इज द सिस्टमैटिक्स आगे बढ़ते हैं देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिक प्रोसेस हैं क्लियर है ना जो लो uh, लेवल पे बेसिकली किया जा रहा है टैक्सोनॉमी तो उसमें जो बेसिक प्रोसेस जो मेन प्रोसेस हैं वो कौन कौन से यहाँ पे हैं एंड ऑप्शन कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड नोम क्लेचर बूथ ए एंड बी एंड फाइनली नन ऑफ दिस यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन कि टैक्सोनॉमी के बेसिक क्लासिफिकेशन पूछे गए हैं यहाँ पे तो टैक्सोनॉमी में देखो तुम्हारा सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन आ रही जाता है नोमिन्लेचर क्लासिफिकेशन और उसका कैरेक्टराइजेशन भी तो आता ही है ना कैरेक्टर्स के आधार पर उसे बेसिकली आ, अलग अलग करना सो दैट मीन्स कि यहाँ पे चारों के चारों ही आ रहे हैं सो आंसर विल बी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नॉमिन क्लेचर और नेमिंग इज वनली पॉसिबल वेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू वॉट ऑर्गेनिज्म इज नेम इज अटैच टू दिस इज देखो यहाँ पे क्या है नॉमिन क्लेचर तभी पॉसिबल है ना जब हम उसके बारे में नोम uh, क्लेचर या नाम देना किसी को तभी पॉसिबल है जब हम ऑर्गेनिज्म को सही से डिस्क्राइब कर सकें क्लियर है ना और ये भी पता चले कि वो ऑर्गेनिजम व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच टू यानी ये जो नाम दे रहा है वो किस ऑर्गेनिज्म से अटैच्ड है क्लियर है ना सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ना पहचान करना दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ओके सो आंसर विल बी सी एक्चुअली क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़े हैं

सो हेयर द आंसर विल बी जो भी देख रहे हो यहाँ पे कोई भी एक प्लांट या एनिमल कोई भी तुम एग्जाम्पल ले लो एक डॉग को ही देख रहे हो सो दैट इज ए स्पेसिस एक्चुअली क्लियर है ना और सिर्फ और सिर्फ स्पेसिस का ही फिजिकल एग्जिस्टेंस तुम्हें देखने को मिलता है इसके अलावा तुम्हें और किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ टेक्सोनॉमी में नहीं देखने को मिलेगा क्लियर है ना सो so, ए बिल्कुल सही है ओके okay? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर वी हैव इन मैंगी फेरा इंडिका

ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जा सके सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाई द सेम ने दर्ल्ड एंड दिस ने जो देते हो तुम ऑर्गेजम को दिस इज कॉल्ड नॉम इन क्लेचर ना सिंपली सो दिस इज कॉल्ड नॉम इन क्लेचर आंसर विल बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आगे बढ़ें सो दिस इज नॉम इन क्लेचर ओके साइटोट एक्सोनॉमी क्या था जरा बताना साइटोट एक्सोनॉमी में हम बेसिकली यहाँ पे टेक्सोनॉमी के स्टडी करते थे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पे ओके okay. टेक्सोनॉमी तो समझते ही हो क्लियर है ना सिस्टमेटिक्स अभी पीछे थोड़ा देर पहले बताया ही मैंने क्लियर है ना बिल्कुल सेल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर के सारे चीज तुम्हारे क्रोमोजोम्स वगैरह इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग हम ये टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं ओके okay. आगे बढ़ते हैं देन क्वेश्चन ट्वेंटी वन द प्रोसेस बाई विच एनीथिंग ग्रूप्ड इन टू कन्वीनियंट कैटेगरीज वेस्ड ऑन सम ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कुछ ईजिल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम उसे कैरेक्टर अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं क्लियर है ना तो इसे क्या बोलोगे दिस इज सिंपली नोन एज वॉट दिस इज क्लासीफिकेशन ना सिस्टमैटिक्स न्यू सिस्टमैटिक्स नोम एंड क्लासिफिकेशन सो दिस इज वॉट क्लासीफिकेशन ओके आगे बढ़े हैं विश टैक्सॉन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लास किंगडम स्पेसिस और फैमिली ओके तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही तुम देखो मैंने यहाँ एक ट्रिक बतलाया था कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिग यानी किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसिस और जैसे ही तुम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी थी सिमिलैरिटी एमंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल वो क्या हो रही थी तो बढ़ रही थी क्लियर है ना और ऊपर जा रहे थे तो घट रही थी तो नीचे चले आए गए स्पेसिस पे तो यहाँ सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होगा ना सो सी विल बी द करेक्ट आंसर आगे बढ़े हैं ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा हैज लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर तो यहाँ जो सबसे ऊपर होगा और सबसे ऊपर देखो किंगडम देन फाइलम तो किंगडम तो यहाँ है नहीं फाइलम भी नहीं है लेकिन हाँ यहीं पे ध्यान दो फाइलम को डिवीजन भी तो बोलते हैं ना प्लांट में आ रहा समझ में फाइलम को हम प्लांट में डिवीजन भी बोलते हैं क्लियर है सो द करेक्ट आंसर विल बी डिवीजन उसके नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें क्लियर है ना आगे बढ़ते हैं इफ़ टू प्लांट्स बिलोंग टू द सेम डिवीजन यहाँ पर डिवीजन सेम है बट इन डिफरेंट ऑर्डर ऑर्डर अलग है तो वो सेम uh, किस टैक्सा से बिलोंग कर सकते हैं एंड द ऑप्शन है जीनस फैमिली क्लास स्पेसिस तो फिर से देखो वही की क्लीन और फैमिली गेट सिक्स तो देखो यहाँ पे क्या है सेम डिवीजन है यानी फाइलम और डिवीजन ये क्या है तो सेम है क्लियर है ना ओके okay? यहाँ पे ओ है लेकिन ऑर्डर क्या है डिफरेंट है ना तो यहाँ पे ये जो भी है ना क्लास ये क्लास इन दोनों का क्या हो सकता है सेम हो सकता है क्लियर है ना आ रहा समझ में सो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर बिल भी क्लास एक्चुअली क्लियर है ओके okay, समझ में आ रहा है यहां तक बताओगे एक बार अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करोगे या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई अगर डॉट्स भी हो तो पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? आगे बढ़ते यहाँ पे वीट एंड मैंगो बिलोंग्स टू द सेम वीट और मैंगो जो है वो सेम किस चीज़ से बिलोंग करते हैं ओके वीट की बात करते हैं और साथ साथ मैंगो की बात करते हैं क्लियर है ना तो यहाँ वीट और मैंगो का क्या ऑर्डर सेम है क्या क्लास सेम है क्या डिवीज़न सेम है या फिर सारे के सारे तो देखो यहाँ पे ना तुम चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे देखो दिया है एक चीज़ ऐसे आंसर तो तुम्हारा डिविज़न होगा वैसे चाहो तो देख सकते हो यहाँ पर एक तुम्हारा हाँ देखोगे यहाँ पे व्हीट और मैंगो देखो तुम वीट और, तो. वीट और में, ये मैंगो और वीट देखो यहाँ पे क्लियर है ना सो so, यहाँ पे देखो तुम्हारा डिवीजन देखो दोनों में सेम है एनजियोस्पमी क्लास देखो डिफरेंट है मोनोकोटालिडोनी डाइकोटॉलिडोनी तो क्लास ही जब डिफरेंट हो गया तो बाकी सब तो डिफरेंट्स ही होंगे ना क्लियर है सो so, ये दोनों किस लेवल पे सिमिलर हैं तो फाइलम या फाइलम नहीं बोलेंगे प्लांट में हम डिवीजन बोलेंगे तो ये डिवीजन लेवल पे सिमिलर है दैट इज एन दोनों के दोनों तुम्हारे एनजियो स्पॉम है क्लियर है ना दोनों के दोनों तुम्हारे क्या हैं तो एनजियो स्पॉम है यानी uh, फ्लावरिंग प्लांट्स है बेसिकली क्लियर है जहाँ पे कि सीड्स भी लगते हैं क्लियर है आगे समझते हैं यहाँ पे सीड भी लगते हैं और वो भी इनसाइड द फ्रूट एक्चुअली आगे बढ़ते हैं अब वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जीनस सोलेनम इंक्लूड्स सोलिनम में कौन कौन आता है बेसिकली ये तुम्हारा एन से ये क्वेश्चन लिया गया है एन में तुम्हारे ऊपर वाले पैराग्राफ में ही दिया गया है ये क्लियर है ना और सोलिनम में तुम्हारा एक तो पोटैटो आ जाता है दूसरा प्रिंजल आ जाता है तुम्हारा क्लियर है ना डतूरा और ट्यूलिप तुम्हारे फिर आ, दूसरे जीनस में आते हैं क्लियर है ना सो द आंसर विल बी वन एंड टू जहाँ आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओके 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 बिल्कुल सही है आगे देखोगे এক মিন ৰকনা चलो sure. ओके okay. आगे देखते हैं यहाँ पे तो आंसर विल बी बी एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ फेलडी एंड कैनेडी यहाँ पे देखो फेलडी और कैनेडी का जो ऑर्डर है दैट इज एक्चुअली यहाँ पे देखो फेलडी कैनेडी याद है ना तुम्हारा डॉग और कैट की फैमिली क्लियर है ना तो यहाँ पे दोनों का जो ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा तो यहाँ पे आंसर मार्क कर लोगे <coughs> कार्निवोरा ओके okay. ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्निवोरा हो जाएगा तुम्हारा ये सब पीछे एन में पॉइंट्स दिए गए हैं अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा एन तो एक बार सही से पढ़ोगे क्लियर है आगे बढ़ते हैं वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कैट एंड डॉग शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी एच विच टैक्शॉन तो कैट और डॉग अगर दोनों की बात करते हैं तो दोनों किस लेवल पे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करेंगे तो जो सबसे नीचे होगा और जहाँ पे दोनों बेसिकली कॉमन uh, होंगे क्लियर है ना और ये दोनों कॉमन होते हैं तुम्हारे अभी तो तुमने पढ़ा ना कार्निवोरा तो ये तुम्हारे कार्निवोरा जो था जो कि तुम्हारा ऑर्डर था यहाँ पे दोनों सेम हो जाते हैं क्लियर है ना सो so, यहाँ पे सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होता है इनके बीच में क्लियर है सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी ओके यानी ऑर्डर आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ऑर्डर रिलेटेड टू ब्रिंजल ब्रिंजल का ऑर्डर क्या है भाई तो समथिंग वे स्ट्रॉन्ग क्या हुआ इसमें एक मिनट रुकना वरना मैं तुम्हारे चैट्स नहीं ले पाऊंगा ओके सही है ना एक बार बतला दोगे मुझे या कहीं फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रहे हैं चलो सही होगा मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो ब्रिंजल का जो ऑर्डर है दैट इज़ एक्चुअली पोलीमोनियल्स क्लियर है ना तो यहाँ पे आंसर कर लोगे पोलीमोनियल्स आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इज़ वीट एंड मैंगो बिलोंग्स टू द सेम वीट और मैंगो की अगर बात करते हैं तो दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं यानी कौन से टैक्शॉन पे दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर क्लास डिवीजन या ऑल ऑफ़ दिस तो वीट और मैंगो की बात करते हैं तो अभी तुमने देखा था बेसिकली Uh, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है ना डिवीजन में बेसिकली ये सेम होते हैं और डिवीजन कौन सा होता है तो इनका होता है एनजीओ क्लियर है ना एनजियोस्पॉम डिवीज़न का होता है आगे बढ़ते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेज विथ ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड तो देखो यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम ये चीज़ बनाएंगे कि फाइलम uh, डिवीज़न क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसिस और यहाँ पे क्या है इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेज विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पर देखो क्लासेज हैं जो कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर हैं तो इसे हायर कैटेगरी दिया जाएगा एंड देट विल बी डिविजन एक्चुअली क्योंकि प्लांट है ना तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा डिविजन हो जाएगा क्लियर है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर आगे बढ़े देन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोजेस्ट कैटेगरी ऑफ फैमिली फैमिली से क्लोजेस्ट कौन है तो देखो यहाँ पर फिर से कि क्लीन और फैमिली गेट से तो फैमिली से क्लोजेस्ट यहाँ जीनस है यहाँ ऑर्डर है क्लियर है ना तो यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा तो देखो जीनस यहाँ पे दिया नहीं है ऑर्डर तुम्हारा दे दिया है तो ऑर्डर तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्लियर है ना इस तरीके से बनाना है तुम्हें इस तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम एंड क्लास किंगडम और क्लास के बीच में तो देखो किंगडम फाइलम क्लास तो यहाँ पे फाइलम है ना या फाइलम को ही डिवीजन भी बोल रहे हैं क्लियर है ना फाइलम को ही हम डिवीजन भी बोल रहे हैं क्लियर है तो यहाँ पे देखो फाइलम भी है डिवीज़न भी है ओके okay, तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही सही हो जाएंगे तुम्हारे क्लियर है यहाँ पे क्योंकि अच्छा सॉरी प्लांट बोला है ना तो फिर दोनों कैसे होगा भाई प्लांट बोला है तो डिवीजन आ जाएगा ना प्लांट बोला है यहाँ पे प्लांट की हिरारची दी गई है क्लियर है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक प्लांट की हिराची सिस्टम है तो इसलिए आंसर तुम्हारा जाएगा डिवीजन में क्लियर है आगे बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फीसेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स रिप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये सभी किस कैटेगरी में सेम हैं क्लियर है ना तो यहाँ पे देखो बेसिकली इन सभी का आ, तुम्हारा Uh, ये सभी एक्चुअली क्या है क्लासेस हैं ना फीस एम्फीवियन रिप्टीलियंस बर्ड्स एंड मेमेलियन्स ये सारे के सारे क्लासेस हैं तुम्हारे कॉडेटा के क्लियर है और यहाँ कॉडेटा क्या है तो कॉडेटा तुम्हारा फाइलम है ना तो आंसर बिल बी फाइलम आंसर बिल बी ऑप्शन बी ओके थर्टी फोर का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि कॉडेटा में याद करो तुम्हारे ये पाँच क्लासेज़ होते हैं फीसेज एम फीवियन रिप्टिलियस एप्स एंड मेमेलियंस ओके सो ये पाँच क्लास तुम्हें याद करना होगा फिर, फिर उसमें भी फिर आगे होते हैं ना फिजिस में कॉन्ड्रिक थीज ऑस्टिक थीज इस तरह से तो लेकिन है तो यही ना तो इनका क्या है सेम तो फाइलम सेम है एंड देट इज एक्चुअली कॉडेटा आगे बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल एड टेक्सोनॉमिकल एड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिकली uh, ब्लैंक फील नहीं करना है क्वेश्चन शुड भी एक मिनट रुक जाओ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलत है क्योंकि यहाँ पे फीलिंग ब्लैंक्स है ही नहीं एक मिनट मुझे देखने दो इनमें से कौन है ना जो बेसिकली तुम्हारे सिर्फ टैक्सोनॉमिकल एड कंटेन करते हैं चलो क्वेश्चन को यहाँ पर सुधार लोगे Which ऑफ द फॉलोइंग सेट ओनली टेक्सोनॉमिकल एड्स ओके यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन को सही करना है तो फिल्म अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल एड्स और यहीं पर बेसिकली ए डॉट बी डॉट सी ऐसे कर दो तो ये भी तुम्हारा सही हो जाएगा यानी वन डॉट टू डॉट थ्री कर दो ओके okay? तो चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि इनमें से कौन है जो सिर्फ टेक्सोनॉमिकल एड्स रखे हुए हैं क्लियर है ना उसके अलावा कुछ और नहीं तो देखो फ्लोरा बिल्कुल है किंगडम नहीं है तुम्हारा टेक्सोनॉमिकल एड में ये देखो गलत हो गया ये भी तुम्हारा है कैटलॉग भी है की भी है लेकिन स्पेसिस तुम्हारा नहीं है क्लियर है ना यहाँ देखो बोटेनिकल गार्डन है म्यूज़ियम भी है और की भी है तो यही तो आंसर है यहाँ देखो मोनोग्राफ है यहाँ देखो ऑर्डर नहीं है तुम्हारा और मैनुअल भी तो है ही तो यहाँ पे किंगडम नहीं है यहाँ पे स्पेसिस नहीं है और यहाँ पे ऑर्डर नहीं है क्लियर है ना बाकी सारे के सारे तुम्हारे टेक्सोनॉमिकल एड्स ही हैं तो यानी आंसर तुम्हारा सी चला जाएगा क्लियर है ना क्योंकि इसमें तीनों के तीनों जो सेट दिए गए हैं वो तुम्हारे टेक्सोनॉमिकल एड्स के ही हैं क्लियर है यहाँ तक समझ में आया आगे बढ़े हैं देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अंकित आनंद गुड मॉर्निंग ओके Uh, आगे देखोगे टैक्सोनॉमिकल कीज आर टैक्सोनॉमिकल की के बारे में बोला गया है कि क्या है तो यहाँ पे देखोगे क्या दे रखा है एनालिटिकल इन नेचर देन टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स देन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तो यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमिकल की की अगर बात करें तो याद करो कि जैसे हमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना रहता था था, तो, तो हम दो क्वेश्चन पूछते थे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते थे इनमें से एक को हम सेलेक्ट करते थे क्लियर है ना बी बी गॉट ए लीड एक्चुअली ओके सो इस तरह से कपलेट से हम एक लीड निकालते थे याद करो यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट्स थे उन्हें कपलेट बोलते थे अब कपलेट में जो एक आंसर मिलता था हमें उसे लीड बोलते थे याद आ रहा ना कुछ कुछ तो इस तरह से ये हम प्लांट और एनिमल दोनों के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते ही हैं क्योंकि एक तुम्हारा मतलब एक को सेलेक्ट करते हो उससे एक को डिसेक्ट करते हो क्लियर है ना आ, और एनालिटिकल नेचर का होता ही है क्योंकि हर हर जगह पे ये अलग अलग बेसिकली कपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा क्लियर है ना दैट्स वही एनालिटिकल इन नेचर तो टेक्सोनोमिकल की के बारे में यहाँ तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट एनसीआरटी के हैं और तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस आगे बढ़ते हैं दट एक्सोनॉमिकल एड्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो प्लांट्स और एनिमल्स देखो की तो एक होगा ही तुम्हारा क्लियर है ना इसके बाद दूसरा तुम्हारा दिया गया है म्यूजियम और तीसरा तुम्हारा दिया गया है हरवेरियम तो देखो हरवेरियम में याद करो यहाँ प्लांट स्पेसमेंट यूज होते थे यहाँ प्लांट स्पेसिमेंट्स यूज होते थे याद करो पेपर का सीत होता था उसमें उसे डाल के रखा जाता था प्रेस करके ड्राई करके याद करो ड्राई करके प्रेस करके क्लियर है ना और इस तरह से करके उसमें इंफॉर्मेशन लिखे होते थे क्लियर है और वो एक क्विक रिफरल सिस्टम की तरह काम करता था लेकिन म्यूज़ियम में अगर बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे Uh, दोनों के ही बेसिकली प्रिजर्व प्रेजेंट होते हैं ओके सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा की और म्यूजियम दोनों ही हो जाएगा क्लियर है ना दैट इज द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी थर्टी सेवन का आंसर चला जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली आगे बढ़ते हैं यहाँ तक समझ गए देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रेफरेंस टू टेक्सोनोमिकल एड्स टेक्सोनॉमिकल एड्स के रिफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है तुम्हारा क्लियर है तो यहाँ पे देखोगे सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर इच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ये तो बिल्कुल सही है क्लियर है ना अलग अलग की चाहिए अलग अलग कपलेट का यूज़ करेंगे हम अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को बेसिकली uh, आइडेंटिफाई uh, करने के लिए क्लियर है न आगे बात करते हैं हरवेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं बिल्कुल नहीं देखो हरवेरियम में सिर्फ प्लांट आते हैं एनिमल्स के स्पेस में नहीं आते हैं तुम्हारे याद रखना है तुम्हें क्लियर है ना म्यूज़ियम में आते हैं बट हरवेरियम में नहीं आते हैं क्लियर है तो यहाँ पे ट्रू विथ रेफरेंस टू टेक्सोनोमिकल एड्स ये तुम्हारा गलत हो गया ना आगे बात करते हैं इच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड कपलेट तो यहाँ पे इच स्टेटमेंट इन ए कीज कॉल्ड कपलेट बिल्कुल सही है और दो स्टेटमेंट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं कपलेट के फॉर्म में जिसमें एक को सेलेक्ट करते हैं दूसरे को हम डी करते हैं देन कीज़ आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस बिल्कुल आ एक मिनट कीज़ जो है वो तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो ये बिल्कुल सही है एक मिनट यहाँ पे गलत होना चाहिए ना एच स्टेटमेंट ओके एक स्टेटमेंट को नहीं बोल रहे हैं बोथ स्टेटमेंट अगर होता ना यहाँ पे तो फिर सही होता है क्लियर है ना बोथ स्टेटमेंट जो होगा उसे हम कंप्लीट बोलेंगे और उसमें से जो जो बेसिकली सेलेक्ट करेंगे जिस से स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं जिसको उसको हम लीड बोलते हैं याद करो ओके okay? सो so, इस तरह से ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया तो सही कौन कौन सा हो गया पहला और चौथा हो गया ना सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी ओके सूरज सही है आगे देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन स्टडीज तो क्विक रेफरल सिस्टम मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें हरवेरियम में होता है जैसे देखो हरवेरियम क्या है एक स्टोर हाउस है मान के चलो एक लाइब्रेरी है अब उस लाइब्रेरी में आंसर तो यहाँ पे हरवेरियम होगा टिक कर लेना उस लाइब्रेरी में मान लो किसी एक प्लांट का स्पेसमैन रखा हुआ है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है और वहाँ पे उसका प्रॉपरली लिखा गया है थ्री, आ, थ्री 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 ब्लॉक क्लियर है ना रूम नंबर टू और उसमें बी नंबर अलमीरा इस तरह से क्लियर है ना तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि थर्ड फ्लोर पे जाना है इसके बाद रूम नंबर टू में चले जाना है और उसमें से जो बी ब्लॉक होगा उसमें जाके हमें वो पार्टिकुलर स्पेसमेंट मिल जाएगा तो उसे हम आराम से देख सकते हैं और जल्दी देख सकते हैं एक्चुअली क्विक रेफरल सिस्टम है ओके तो वहाँ रेफर करके हम उन सारे चीज़ों को देख सकते हैं सो दिस इज द क्विक रेफरल सिस्टम समझ में आया आगे बढ़ते हैं विच इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसिस फाउंड इन एन एरिया ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया तुम्हारा एन सी आर टी से एंड दिस इज दिस स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग मैनुअल्स एक्चुअली क्लियर है ना तो मैनुअल्स क्या है तुम्हारा किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जो स्पेसेस हैं उनके नाम को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है सो दिस इज मैनुअल्स देखोगे यहाँ पे एनसीआर में दिखाता हूँ तुम्हें देखना ध्यान से जल्दी से देखना लेकिन यहाँ पे कहा गया ये देखो यहीं पे प्रेजेंट होगा हाँ देखोगे यहाँ पे ध्यान से पार्टिकुलर एरिया यहाँ देखो ये है ना दिज प्रोवाइड द इंडेक्स द प्लांट स्पेसिज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया अब यहाँ पे ये तो तुम्हारा इसके पहले का था फ्लोरा के बारे में था देन मैनुअल्स आर यूज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसिस फाउंड इन एन एरिया और मोनोग्राफ क्या कंटेन करेगा तो इन्फॉर्मेशन किसी भी एक टैक्शन का क्लियर है ना तो इसे याद रखना है तुम्हें आगे बढ़ते हैं आ, तो ये चीज़ समझ गए मैनुअल्स के बारे में था आगे बढ़ो क्वेश्चन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेसड इन म्यूज़ियम आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग याद करो ये किसके बारे में बोला गया है पिनिंग समझते हो ना उसे क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे मारेंगे और फिर उसमें एक पिन इस तरह से चुबा देंगे और उस पिन में बेसिकली सारे इंफॉर्मेशन वगैरह उसके प्रेजेंट होंगे एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द इंसेक्ट्स ओके इंसेक्ट्स को इस तरह से करके हम प्रिजर्व करते हैं बर्ड्स मैमल्स प्लांट्स इन सभी को आ, अगर बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उन्हें तो हम बेसिकली अलग अलग सेगमेंट्स में वो काट के बेसिकली हम प्रिजर्व करते हैं क्लियर है ना तो ये चीज़ हो गया यानी उसे स्टफ़ कर देते हैं तो यानी यहाँ पे पिनिंग कहाँ कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स में कर रहे हैं क्लियर है आगे बढ़ते हैं लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ देखो स्टफ कर रहे हैं ना उसे एंड प्रिजर्व इन तो इसे स्टफ़ कर देते हैं और प्रिजर्व करते हैं तो कहाँ करते हैं तो इसे स्टफ करके स्टफ मीन्स वही चॉप करके बेसिकली क्लियर है ना तो इसे प्रिजर्व करते हैं हम म्यूजियम्स में क्लियर है ओके okay. यानी वही जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं उसी की बात कर रहे हैं खास करके क्लियर है सो आंसर विल भी म्यूजियम आगे बढ़े म्यूजियम हैव द कलेक्शन ऑफ म्यूजियम के पास किसके कलेक्शन होते देखो इंसेक्ट होते ही हैं प्रेजेंट अभी तो तुमने देखा यहाँ पे पिनिंग वगैरह कर रहे थे क्लियर है ना एनिमल स्पेसिस बड़े बड़े होते ही हैं ये तुम अभी देखे स्टफिंग कर रहे थे क्लियर है ना और स्केलेटन्स भी एस्केले प्र हैं रेफरल्स के लिए तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑल ऑफ दैट इज फोर्ट्री का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली ओके आगे बढ़े हैं हैव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विस्ट एक्सोनॉमिकल एड कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्स अभी तो पढ़े ना अभी तो पढ़े तुम कि कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि बेसिकली सिर्फ एक टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है एंड दैट इज द मोनोग्राफ क्लियर है मैनुअल तुम्हें नाम आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है स्पीसीज का और मोनोग्राफ क्या है तो किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं क्लियर है ना आगे बढ़ते हैं फिर एनिमल्स आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड इन्वामेंट इन प्रोटेक्टेड इन्वामेंट में कहाँ रखे जाते हैं एनिमल्स को खास करके एनिमल्स की बात की गई है गार्डन म्यूज़ियम बायोलॉजिकल पार्क्स और जूलॉजिकल पार्क्स तो एनिमल्स को यहाँ पे याद करो ना ये जू याद आ रहा होगा तुम्हें क्लियर है ना तो जू दैट मीन्स जूलॉजिकल पार्क्स में रखे जाते हैं प्रोटेक्टेड इन्वामेंट में और यहाँ पे ये कोशिश किया जाता है कि उन्हें वैसा ही इन्वामेंट प्रोवाइड किया जाए जैसा कि एग्जैक्ट इन्वामेंट वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं क्लियर है ना सो द आंसर विल बी डी आगे बढ़ते हैं एच प्लांट इज लेवल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली डेट एक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर दिस यानी कौन से ट एक्सोनॉमिकल एड में उसके बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम साथ ही साथ उस पर्टिकुलर प्लांट के फैमिली का नाम दिया जाता है क्लियर है ना इज इट म्यूजियम इज इट हरवेरियम और इज़ इट बोटैनिकल गार्डन और इज इट ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर बेसिकली जो साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली का नाम दिया जाता है वो तुम्हारा बोटैनिकल गार्डन में दिया जाता है प्लांट वगैरह जो होते हैं ना उस पर चिपका दिया जाता है इसको क्लियर है ना यहाँ पर स्पेसिमिन नहीं होते हैं बल्कि लिविंग प्लांट्स होते हैं सो दिस इज़ द आंसर विल भी बोटैनिकल गार्डन तो फोटी सिक्स का क्या हो जाएगा तुम्हारा सी हो जाएगा समझ में आया यहाँ पर आगे बढ़े रॉयल बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है भाई बतलाओगे तो ये तो वर्ल्ड का फेमस है ना और वर्ल्ड का फेमस है तो ये तुम्हारा समझ में आ ही गया होगा क्योंकि न्यू दिल्ली कोलकाता और लखनऊ ये तो इंडिया ही है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू हो जाएगा क्लियर है तो क्यू यानी इंग्लैंड यहाँ पे तुम्हारा रॉयल बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड है ओके कोई दिक्कत यहाँ पर ऑप्शन डी अच्छा पिछले क्वेश्चन का बोल रहे हो चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल टैक्सोनॉमिकली नोन नंबर ऑफ स्पेसिस इज यहाँ पे देखो ये एन ने दिया है ये डाटा क्लियर है ना तो 1.7 बिलियन 1.7 लाख 5 टू 30 मिलियन एंड 1.7 मिलियन तो यानी यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या चला जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट एन का डाटा है ये 1.7 टू 1.8 मिलियन इस तरह से कुछ लिखा है एन ने क्लियर है ना सो तो द आंसर विल बी ऑप्शन डी ओके okay. आगे बढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्रॉस मोफोलॉजी ऑफ प्लांट्स यानी कि प्लांट के सारे के सारे मोफोलॉजिकल कैरेक्टर को इसमें स्टडी करेंगे तो देखो आर्टिफिशियल सिस्टम आया था ना उसमें हम एक दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते थे क्लियर है ना तो और प्रैक्टिकल सिस्टम में तो हम सिंपली देखते थे कि हमको किससे फायदा है प्रैक्टिकल सिस्टम में हम बेनिफिट्स देखते थे या यूँ कहो कि उसका यूटिलाइजेशन देखते थे कि कहाँ पे हो रहा है क्लियर है ना और आर्टिफिशियल सिस्टम में हम कुछ कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते थे क्लियर है ना सम कैरेक्टर्स को ही स्टडी करते थे लेकिन हम जब हम बात कर रहे हैं कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी तो वो किसका स्टडी कर, कर रहे हैं हम नेचुरल सिस्टम में क्लियर है ना आंसर विल बी ऑप्शन ए आगे बात करते हैं विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या है इज इट फाइलोजेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या सबसे पहले हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना शुरू कर देते हैं इज इट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं क्या सबसे पहले उसे हम नाम देते हैं या फिर सबसे पहले उसे हम क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई तो कर लो क्लियर है ना कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं तुम्हारे पास पहले से ही तो प्रजेंट नहीं है क्लियर है ना तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स हैं लाइक टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह क्लियर है ना तो उसके हेल्प से आइडेंटिफाई करो जब तुम्हें पता चल जाए कि हाँ तुमने एक नया स्पीसीज खोजा है तब फिर उसका नाम दो क्लियर है ना उसका फिर क्लासिफिकेशन करो और उसके उसके फिर फाइलोजेनी वगैरह को देखो क्लियर है सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा जी आ, ये स्पेसिस हो जाएगा ना सबसे नीचे स्पेसीज आता है तुम्हारा की क्लीन और फैमिली गेट सिक एस फोर स्पेसीज याद है ना चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये चीज हो गया प्लांट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे यहाँ पे है यानी कि किसका क्या फ़ायदा है किससे हमें फूड मिल रहा है किससे हमें वाइल मिल रहा है किससे क्या मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था याद करो दिस वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्योंकि पहले हम अपने आ, मतलब इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही कि कि किसका क्या फायदा है उसके अकॉर्डिंग ही हम बेसिकली चीज़ों को क्लासीफाई करते थे और दिस क्लासिफिकेशन वॉज नोन एज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्लियर है ना समझ में आया यहाँ पे ओके okay, आगे देखते हैं टू प्लांट्स कैन बी वली सेट टू बिलोंग टू द सेम स् स्पेसीज सेम स्पेसीज से कब बिलोंग करेगा वेन दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर उनका नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहा दे कैन रे रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स दे हैव मोर देन नाइन्टी परसेंट सिमिलर जीन्स देन लुक सिमिलर एंड पजेज आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो यानी कि देखो यहाँ पर सिम्पली ना स्पेसीज का डिफिनेशन पूछा गया है तुमसे और स्पेसिस का सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड हो एक दूसरे से और दे कैन इंटरब्रीड वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो क्लियर है ना सो दे आर कॉल्ड एक्चुअली स्पेसिस तो यानी यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स क्योंकि प्लांट है ना तो सीड्स मतलब यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग समझ लो तुम क्लियर है ना क्योंकि सीड फिर जर्मिनेट करेगा तो वो प्लांट ही बनाएगा तो यहाँ तक क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं आई का फुल फॉर्म बताना है भाई जल्दी से बताओगे इज इट इंडियन कोड फॉर बोटैनिकल नोम क्लेचर इज इट इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोम क्लेचर एंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम सो द आंसर विल बी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नमन क्लेचर ओके ये बेसिकली रूल्स वगैरह रखती है जिसके अकॉर्डिंग हम साइंटिफिक नेम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ओके okay? आगे देखते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम फाइलोजेनेटिक देखो फाइलोजेनेटिक जहाँ भी बर्ड आएगा वहाँ इवोल्यूशन को लाना है हमें क्लियर है ना तो ये किस पे बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखो आ गया ना मॉर्फोलॉजिकल फीचर एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट बिल्कुल नहीं क्लियर है ये केमिकल कंसिटेंट्स पे तो तुम्हारा कीमो टैक्सोनॉमी था ना कीमो टैक्सोनॉमी था याद करो क्लियर है ना और सेल स्ट्रक्चर पे तुम्हारा साइटो था बताया था मैंने ओके सो so, आंसर विल बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ओके आगे बढ़े हैं व्हाट आर द इसेंशियल बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे कंसीडर किया जाता है तो देखोगे यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को तो करते ही हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल को भी करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस वही एक तरह से कि किस तरह से डेवलप हुआ किस तरह से कैसे दूसरे से रिलेटेड है और साथ साथ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो इन सारे ही चीज़ों को कंसीडर करते हैं मॉडर्न टनोमिक में तो द आंसर विल बी ऑप्शन डी ओके और ये लाइन भी तुम्हारा एन से ही लिया गया है क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़े हैं देन बी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्टी कैरेक्टराइजेशन ऑफ फैमिलीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं हम किसका फैमिलीज़ का कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं क्लियर है ना तो ये किस आधार पे किया जाएगा और ऑप्शंस यहाँ पे है वेजिटेटिव फीचर पे रिप्रोडक्टिव फ़ीचर पे या दोनों पे या नॉन पे तो फैमिलीज अगर हम दिखा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे खास करके अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही फीचर्स हमें देखने पड़ते हैं क्लियर है ना सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज बोथ वन एंड टू यहाँ तक समझ में आया ओके okay. कोई कमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे आंसर्स नहीं आ रहे हैं बट कोई बात नहीं चलो आगे देखते हैं चलो चलो देखते हैं वाई द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जाते हैं तो यानी कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंट स्पेसिस के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है द क्वेश्चन इज वाई तो देखोगे ऑप्शन क्या है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग इन लोअर टैक्सा लोअर टैक्सा में जाओगे तो ये डिक्रीज थोड़ी करेगा ये तो इंक्रीज करेगा तो ये तो गलत है ना दे नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन हाइयर टैक्सा ये देखो सही है तुम्हारा क्योंकि कॉमन कैरेक्टर ही घटते चले जाते हैं तो हम कैसे उनमें रिलेशनशिप लगा पाए भाई जब हमारे पास कॉमन कैरेक्टर ही नहीं है बिकॉज़ क्लासिफिकेशन इट सेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ऐसा तो है नहीं एंड नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग इन हाईर टैक्स है ये तो गलत है तुम्हारा इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करेगा क्लियर है सो द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज टेक्सोनोमिकल एड यहाँ पे डी लगा लोगे ओके okay? तो देखो जूलॉजिकल पार्क तो तुम्हारे आते ही हैं सॉइल तुम्हारा टेक्सोनॉमिकल एड में नहीं आता है हरवेरियम और म्यूजियम तो आता ही है सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्चुअली, ओके okay. समझ गए यहाँ पे स्वाइल तुम्हारा कोई टेक्सोनॉमिकल एड में नहीं आता है जो कि टेक्सोनॉमी में हेल्प करे तुम्हें क्लियर है ना एड मीन्स यहाँ पे हेल्पर ही होता है आगे देखते हैं इन विच ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स वनली द मीन्स ऑफ टेक्सोनॉमिक लिटरेचर आर इंक्लूडेड जहाँ पे सिर्फ टेक्सोनॉमिक लिटरेचर को इंक्लूड किया जाता है क्लियर है ना यानी कि वहाँ पे कोई स्पेसमस वगैरह या कोई भी आ, सैंपल वगैरह नहीं रखा जाता है सिंपली हम आ, क्या करते हैं तो कहीं कुछ लिखते हैं या इन सब चीज़ों को करते हैं बेसिकली क्लियर है ना तो देखोगे यहाँ पे यानी यहाँ पे सिंपली लिटरेचर का यूज़ किया जा रहा है ओके बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे तो तुम्हारा पूरा का पूरा प्लांट ही होता है म्यूजियम में तो तुम्हारे स्पेसिमेंस uh, ही होते हैं क्लियर है ना यहाँ पे तो तुम्हारा और बोटैनिकल बायोलॉजिकल मीडियम में तुम्हारा uh, इंसेक्ट बड़े बड़े प्ला एनिमल्स uh, प्लांट्स सब कुछ होते हैं क्लियर है ना हाँ की में नहीं होता है तुम्हारा क्लियर है ना की में सिंपली लिटरेचर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे की तुम्हारा सही है वैसे आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हरवेरियम देखो तुम्हारा यहाँ पर भी तो स्पेसिमन रखे ही जाते हैं तो यहाँ पर भी की सही है देन फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है क्योंकि फ्लोरा मैनुअल और मैनोग्राफ में सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है किसी भी चीज़ों के बारे में जैसे फ्लोरा अगर बात करें तो प्लांट के जितने भी स्पेसिस हैं उसे कंटेन कर रहा है मैनुअल की बात करें तो ये हमें स्पेसिस uh, के नेम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है मोनोग्राफ की बात करें तो किसी एक टेक्सॉन पे इंफॉर्मेशन रख रखा है तो मतलब ये सारे तो एक तरह से लिटरेचर के फॉर्म में है ना कुछ कुछ लिखा हुआ है कहीं पे बस उसी फॉर्म में यहाँ पे कोई भी सैंपल वगैरह नहीं है कोई भी प्लांट एनिमल का स्पेसिमेन नहीं है क्लियर है ना तो आंसर विल बी ऑप्शन सी ओके बाकी सब में तुम्हारे बुटैनिकल गार्डन है और बोटैनिकल गार्डन में तुम्हारे प्लांट्स ही प्रेजेंट होते हैं भाई क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट बुटैनिकल गार्डन ओके एंड इंडियन बुटैनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तीनों के तीनों कहाँ सिचुएटेड है और सीरियल नंबर से बताना है तो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन तो याद करो तुम्हारा क्यों यानी इंग्लैंड में है याद आया क्लियर है ना तो ये तुम्हारा इंग्लैंड हो गया इसके बाद बात करते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन तो ये तुम्हारा हावरा में है यानी कोलकाता बेसिकली और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तुम्हारा कहाँ तो लखनऊ में है द आंसर विल बी क्यू हावड़ा लखनऊ देन आंसर विल बी ऑप्शन बी ओके वैसे देखो तुम क्यू uh, से ही तुम दो को छाट सकते थे ऑप्शन सी और डी को क्लियर है ना और फिर जैसे ही तुम हावड़ा पे गए तो तुम्हारा आंसर मिल सकता है यहाँ पे ओके okay? यहाँ तक समझे तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनिक एड इज़ यूजफुल ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स के केस में ये यूजफुल है क्लियर है न एंड ऑप्शन साहब बोटैनिकल गार्डन तो बोटेनिकल गार्डन में तो प्लांट्स आते हैं ना बेसिकली म्यूज़ियम्स में तो तुम्हारे दोनों आते हैं क्लियर है कीज़ हाँ कीज़ भी सभी के लिए यूज़ होता है कीज़ भी तुम्हारे दोनों के लिए यूज़ होता है लेकिन एनिमल की बात करें तो जुलॉजिकल पार्क में क्या प्लांट को लगावते हो यहाँ पर सिंपली तुम एनिमल्स को रखते हो एक प्रोटेक्टेड इन्वॉर्मेंट में सुधान सर विल भी जुलॉजिकल पार्क आगे बढ़ते हैं ऑल द कैटगरीज यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम कंस्टिट्यूट जितने भी कैटेगरीज होते हैं क्लासिफिकेशन में वो सब मिला जुला के क्या कंस्टिट्यूट करता है यही बेसिकली किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसिस इन सभी को पूछ रहा ना कि एक साथ अगर कंस्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बनाता है सो दिस फॉर्म से हिरारची सिस्टम ना एंड दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हिरारची ओके सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं एज वी गो फ्रॉम स्पेसिस टू किंगडम स्पेसिस से किंगडम की ओर जा रहे हैं यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं इन एट एक्सोनॉमिक हिरार चीज है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर तो कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा घटेगा नीचे से ऊपर जाएंगे घटेगा ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेगा क्या होगा बिल डिक्रीज क्लियर है ना बिल इंक्रीज रिमेन सेम में इंक्रीज और डिक्रीज बिल्कुल नहीं ऑप्शन ए बिल बी द करेक्ट आंसर समझ में आया यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेटेड एक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली तो फैमिली in तो में कौन सा बेसिकली हम सफिक्स यूज करते हैं तो मैंने कुछ कुछ सफिक्स तुम्हें लिखवाए थे क्लियर है ना जिसमें से ए एसी जो ये बेसिकली ये तुम्हारा सफिक्स है जैसे सोलनीसी पढ़े थे ना आ, कनबल बल इस तरह से बेसिकली नाम्स होते हैं ढेर सारे तो आंसर विल बी ऑप्शन सी क्लियर है ना तो यहाँ पे फैमिली के लिए हम ए सी यूज़ करते हैं ए सी ई एक्चुअली क्लियर है ना तो यहाँ पे समझ गए आगे बढ़ते हैं देन बी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स मैज द फॉलोइंग बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फैमिली किंगडम ऑर्डर स्पेस जीनस और इधर टिब्रेशन पॉलिमियल पॉलीमोनियल्स देन सॉलेनम देन प्लांटी देन सोलिनेशी तो यहाँ पे देखो अभी ए देखो तुम्हारा कहाँ आ गया था फैमिली में आ गया था ना तो ए का तो फाइव हो जाए एक मिनट क्या हुआ भाई चलो कोई नहीं ठीक है यहाँ पे ओके तो देखना यहाँ पे तो आ, ये जो आ, बेसिकली तुम्हारा आ, ये फाइव है ये तो ए में चला जाएगा ना इसे सबसे पहले कनेक्ट कर लो क्लियर है ना उसके बाद देखो प्लांट ही तुम्हारा किंगडम है यह भी तो तुम्हें पता ही होगा जो जो आसान है पहले उसे मैच कर लो क्लियर है ना और सोलिनम ट्यूब्रेशम तुम्हारा नाम होता है जिसमें सोलिनम पहले आता है तो पहले तुम्हारा जीनस आता है तो इसके जीनस के साथ कनेक्ट कर दो ट्यूब्रोशम तुम्हारा बाद में आता है स्पेसिज आता है तो एक बच गया पॉलीमोनियल्स तो वो तुम्हारा ऑर्डर में चला जाएगा क्लियर है ना तो इस तरह से अगर तुम देखो मैचिंग तो तुम्हारा जो मैचिंग है वो कौन सा सही हो जाएगा तो ए का फाइव ए का तुम्हारा फाइव तो ये ए का फाइव इधर दे रखा है बी का तुम्हारा फोर इधर दे रखा है क्लियर है ना और तो कहीं पे है भी नहीं आंसर तो यही होना है ओके आगे देख लो बाकी सारे मैच करके ई e का थर्ड ई e का थर्ड बिल्कुल सही है देन सेकंड का सी यहाँ देखो सेकंड का सी बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सही है आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर है यहाँ पे आगे बढ़े तो ये हो गया तुम्हारा सोलनम टिब्रोशियम यानी पोटैटो का तुम्हारा पूरा हीराजिकल सिस्टम हो गया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ से तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे क्लियर है ना ये ए आई पी एम टी मेन्स दो तो हज़ार दस में क्वेश्चन आया हुआ है द इंडियन राइनोसेरस इज इज ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ़ द इंडियन स्टेट्स किस स्टेट का ये नेचुरल इन्ेबिटेंट है यानी वहाँ पे ये नेचुरली पाया जाता है क्लियर है ना और ये तुम्हें याद रखना है इसका आंसर जल्दी से बतलाओगे अगर किसी को पता होगा तो ऑडियंस में से जल्दी से बतलाओगे अगर नहीं पता है तो इसका आंसर मार्क कर लोगे आशम आश्रम का ये क्या है नेचुरल इनहेबिटेंट है तुम्हारा राइनोसेरस राइनोसेरस तो समझते हो ना जैसे दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं क्लियर है ना तो ये समझे नहीं राइनोसोरस को दरियाई घोड़ा नहीं बोलते होता है हिपोपोटामस होता है ना शायद कुछ और होता है मे बी मुझे इसका हिंदी पता नहीं है एक्चुअली तो चलो आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग ये ए आई पी एम टी मीन्स दो हज़ार ग्यारह का क्वेश्चन है जल्दी से आंसर करोगे यहाँ पे समझोगे बेसिकली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर इन विट्रो ओके इंक्रीज इन मास फ्रॉम इन साइड वनली ओके परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इनवमेंट एंड देयर मेमोरी, ओके एंड इंक्रीज़ इन मास बाय एक्मलेन ऑफ मेटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली ये तो नहीं हो होने वाला है क्लियर है ना और ये भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स है ही नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लियर है ना एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो तो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा ना इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली याद करो ये तुम्हारा इंट्रेंजिक ग्रोथ का बात कर रहा है क्लियर है और यहाँ पे क्या है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वामेंट एंड देयर मेमोरी ये तो मशीन्स वगैरह भी करते हैं क्लियर है ना क्योंकि याद करो अभी ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो उसे अगर कोई डाटा फीड कर दो तो वो जो भी हुआ उस पर्टिकुलर मेमोरी को याद भी रखेगा बाद में उससे पूछोगे तो बता भी देगा तुमने देखा भी होगा गूगल एलेक्सा सीरी ये सभी क्या है तो वो सब तो नॉन लिविंग है ना लेकिन कर ही रहे परसेप्शन तो यानी यहाँ पे ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन ये भी तुम्हारा ए आई पी एम टी प्री दो हज़ार बारह का क्वेश्चन है देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंगी फिलामेंटस अलगी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस ओके देखते हैं यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अभी तो लाइफ साइकिल पढ़े ही नहीं हो इसका क्लियर है ना मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी क्या ये प्लांटी के किंगडम है तो ऐसा तो है नहीं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई तो देखेंगे उसे और दे मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन ओके सो यहाँ पर देखो uh, अगर न्यूट्रीशन की बात करते हैं तो ये देखो अलगी तुम्हारा है क्लियर है ना ये तो तुम्हारा आ, मतलब ऑटोट्रॉफ है और ये तुम्हारे हेट्रोट्रॉफ हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सेम नहीं है क्लियर है ना तुम्हारा प्लांटी किंगडम भी नहीं है और लाइफ साइकिल को भी रहने दो हाँ लेकिन फ्रैगमेंटेशन सभी में को ये कॉमन है क्लियर है ना और ये तुम्हें एन ने दिया भी है रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन में चाहो तो तुम देख सकते हो यहाँ पे चाहे फंगी हो ये फिलामेंटस अल्गी हो दैट इज़ अ स्पायर वगैरह वगैरह क्लियर है ना या मॉसेज हो ये सभी क्या है फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं क्लियर है ना और लाइफ साइकिल इनके बारे में पढ़ोगे तुम आ, जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना चैप्टर थ्री में तो वहाँ लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तुम्हें पढ़ने को मिल जाएगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है जो एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है फिलहाल ओके सो देखते हैं यहाँ पे नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट दैट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट क्लियर है ना तो पहला देखो हरवेरियम हाउस हाउसेज ड्राइड प्रिजर्वड एंड प्रिजर्व प्लांट्स स्पेशमस ओके तो हरवेरियम हाउसेज में क्या होते हैं ड्राई करके ड्राइड प्रिजर्वड या फिर प्रिजर्व प्लांट स्पेसमेंट्स होते हैं तो बिल्कुल सही है क्लियर है ना ड्राइड होते हैं प्रेस्ड uh, होते हैं यहाँ पे कॉमन लगाओ ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्वड अब सही है ना ड्राई करते हैं फिर प्रेस करते हैं और उसे प्रिजर्व करते हैं प्लांट के स्पेसमेंट को तो ये बिल्कुल सही है और साथ साथ उसका इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे डालते हैं क्लियर है ना आगे बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस बोटैनिकल गार्डन के पास लिविंग प्लांट होते हैं बिल्कुल होते हैं और उस प्लांट पर पट्ट, पट्टी चिपका होता है जिसपे उसका बेसिकली इंफॉर्मेशन लिखा होता है क्लियर है ना देन नेक्स्ट इज़ ए म्यूज़ियम हैज़ कलेक्शन ऑफ़ फ़ोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल देखो फोटोग्राफ थोड़ी ना रहता है म्यूज़ियम में म्यूज़ियम में तो सैम्पल होता है ना फोटोग्राफ सिर्फ फ़ोटो चिपका देते हो क्या म्यूज़ियम में ऐसा तो नहीं है ओके तो ये तुम्हारा गलत है आगे की इज इट एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स बिल्कुल सही है कि हाँ, का हम यूज स्पेसिमेंट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर किसी टैक्सो टैक्सा को बेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए किसी प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं लेकिन म्यूजियम में फोटोग्राफ नहीं लगे होते हैं क्लियर है सो यहाँ पे नॉट करेक्ट में चला जाएगा ऑप्शन सी तुम्हारा क्लियर है यहाँ तक आगे देखोगे नॉमन क्लेचर इज गवर्न बाई सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स नोमिन में कुछ यूनिवर्सल रूल्स डाले जाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिकली किया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नोमिन यानी इनमें से कौन है जो कि रूल के खिलाफ है क्लियर है ना तो रूल के खिलाफ वाले पॉइंट को देखते हैं बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज देखो एनी लैंग्वेज में थोड़ी लिखते हैं इसे हम लैटिनाइज करते हैं ना इन्हें हम लैटिन में लिखते हैं याद करो इर ऑफ देयर ऑरिजिन उसका ऑरिजिन कुछ भी रहा हो कहीं से भी वो आया हो लेकिन उसे हम लैटिन में ही लिखते हैं बेसिकली क्लियर है सो so, यहाँ पे ये आंसर तो तुम्हारा गलत है एनी लैंग्वेज तो नहीं आएगा ओके okay? आगे बढ़ते हैं द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस बिल्कुल सही है और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है ये भी सही है द नेम्स आर रिटेन इन लैटिन एंड आर इटैलीसाइज यानी इटैलिक कर दिया जाता है बिल्कुल सही है देखो लैटिन में लिखा जाता है और इटैलिक कर दिया जाता है means tilted कर दिया जाता है उसे बिल्कुल सही है देन हैंड्स द नेम्स नेम्स आर आर टू टू बी बी ओके और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो अंडरलाइंड सेपरेटली तो जो अलग अलग जो दो नाम होते हैं ना बेसिकली साइंटिफिक नेम में उन दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा मिला ऑप्शन नंबर ए क्लियर है यहाँ पे ओके okay. आगे देखोगे द लेवल ऑफ ए हरवेरियम सीत डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन हरवेरियम का जो सीत होता है ना जिसमें कि इंफॉर्मेशन लगे होते हैं तो उसमें इनमें से किसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है नेम ऑफ कलेक्टर यानी जिसने कलेक्ट किया उसे उसका नाम तो रहता ही है लोकल नेम उसका और साइंटिफिक नेम भी रहता है याद करो हाइट ऑफ प्लांट नहीं रहता है कि प्लांट का हाइट कितना है ये उसमें नहीं रहता है देन डेट ऑफ कलेक्शन ये तो रहता ही है सो द करेक्ट आंसर बिल बी ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी बिल बी द करेक्ट आंसर आंसर यहाँ पे आ नहीं रहे हैं जल्दी से यहाँ पे आंसर करोगे भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे ओके okay. तो सेवेंटी टू का सी हो गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेवेंटी थ्री पे मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू फॉर हॉर्स फ्लाई क्लासीफिकेशन हॉर्स फ्लाई का क्लासिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर मैच करेंगे हम एंड करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोर्ट गिविन बिलो चूज करना है फिर ओके okay? तो हॉर्स फ्लाई की अगर बात करते हैं हम तो इसका जो फैमिली है वो तुम्हारा क्या है तो मुस्किडी है क्लियर है ना अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर तुम्हारा डिप तेरा है ये तुम्हें एन सी आर टी में दिया गया है एक वो फ्लो uh, uh, क्या बोलते हैं टेबल बना के चाहो तो देख सकते हो इसका जो क्लास है वो तुम्हारा इंसेक्ट क्लास है इंसेक्टा है और फाइलम तुम्हारा अर्थ्रोपोडा है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर चला जाएगा पहला का थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर टू देखो कहीं पे है क्या थ्री वन फोर टू बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है सो डी विल बी द करेक्ट आंसर तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझो यहाँ पे चाहे तो ये फ्लाई हो चाहे तो ये मैंगो है चाहे तो वो टाइगर हो चाहे तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो तुम्हारे एनसीआर में दिया गया है क्लियर है ना उसके डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज हैं उनका नाम देकर इस तरह से मैथ द फॉलोइंग तुमसे फ्यूचर में भी करवाया जा सकता है क्लियर है ना तो इस बात पे ध्यान रखना चलो आगे बढ़ते हैं स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवेन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम यहाँ पे चार स्टेटमेंट हैं जिसमें से दो सही हैं टू करेक्ट वंस दो सही हैं तो करेक्ट वाले को हमें सेलेक्ट करना है जो कि सही हो क्लियर है ना तो यहाँ पे देखते हैं हम डिफिनिशन ऑफ बायोलॉजिकल बायलॉजिकल स्पेसिज गिवन बाई अनस्टमेर ये तो बिल्कुल सही है ये जो तुम्हारा पूरे चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो साइंटिस्ट के बारे में जो लिखा गया उसी में बेसिकली इन्होंने uh, ये uh, मतलब एन चैटी ने लिखा है कि बायोलॉजिकल स्पेसिस का जो डिफिनीशन है जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं वो किसने दिया था तो मेयर ने दिया था क्लियर है ना ये तो सही है तुम्हारा देन फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट ये तो बिल्कुल गलत है फोटो पीरियड समझते हो फोटो पीरियड तुम्हारा कितने समय के लिए लाइट मिल रहा है प्लांट को दैट इज द फोटो पीरियड और ये रिप्रोडक्शन क्या उसके है उसके डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उन सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है फ्लावरिंग तक को अफेक्ट करता है एक्चुअली क्लियर है यहाँ तक बायनोमियन नोम सिस्टम बाय रिवन गिवन बाई आर एच वीट कर ये तो गलत है ना ये किसने दिया था लीनियस ने दिया था ना ओके देन इन मल्टी सेल इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनिमस विद ग्रोथ बिल्कुल सही है प्रोडक्शन हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है पता ही नहीं चलता है क्लियर है ना द टू करेक्ट स्टेटमेंट आर दो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या हैं तो एक तो पहला तुम्हारा सही है दूसरा चौथा तुम्हारा सही है तो ए एंड डी तुम्हें देखो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है सी में सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके समझ में आया यहाँ पे आगे बढ़े अब यहाँ पे देखो असेसन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है इधर के आगे कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लगभग दस क्वेश्चन होंगे असेसन रीजन तो असर रीजन सॉल्व करने के पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ असरसन रीजन जब भी सॉल्व करो तो सबसे पहले असर्सन को पढ़ो और पढ़ के उसे समझो और समझ लो कि ये वो असरसन सही है या गलत है क्लियर है ना अगर सही है तो तुम आगे बढ़ो क्लियर है ना रहा समझ में और वहाँ पे और भी ध्यान ही बरतो अगर सही है असरसन तो रीज़न को देखो और अगर रीज़न भी सही है तो फिर असरसन ने जो लिखा है ना उसमें क्वेश्चन लगा दो वाई क्लियर है एक क्वेश्चन लगा दो क्यों और अगर उसका आंसर रीजन से मिल जाए तुम्हें तो फिर समझो तुम्हारा ऑप्शन ए है क्योंकि देखो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों सही होते हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लानेशन होता है असर्शन का तो ए होता है और अगर करेक्ट एक्सप्लानशन नहीं होता है तो बी होता है अगर एक सही एक गलत है तो सी होता है और अगर दोनों दोनों गलत है तो फिर क्या होता है डी हो जाता है क्लियर है ना तो देखते हैं यहाँ पे आ, क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर सिस्टमेटिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बिल्कुल सही है भाई सिस्टमेटिक एक तो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ही बायोलॉजी का देन सिस्टमेटिक नेम द ऑर्गेनिज्म एंड डिवाइड्स देम इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रोज टू मेक देम मेक देयर स्टडी इज बिल्कुल सही है ये दोनों ही स्टेटमेंट तुम्हारे सही है अब इससे क्वेश्चन पूछते हैं देखो ऐसे करके सॉल्व करना है मैं जब भी असल रीजन क्वेश्चन आए ना तो अप्रोच क्या होना चाहिए तुम्हारा वो समझोगे तुमने पढ़ा सिस्टमेटिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और तुमने बोला हाँ तो इससे पूछो क्यों क्यों है इंपॉर्टेंट ब्रांच बायोलॉजी का आखिर क्यों है यह अनइम्पॉर्टेंट रहता है इंपॉर्टेंट ब्रांच क्यों है तो आंसर देखो कि क्या ये इस वजह से तो नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा है ग्रुप और सब ग्रुप में और कुछ आ, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग यानी सही तरीके से कर रहा है ताकि जो हमारे पढ़ने का जो तरीका है ना यानी जो हमें पढ़ना हो उस ऑर्गेनिज्म को वो क्या हो जाए आसान हो जाए तो बिल्कुल सही है ये रीज़न भी तो सही कर रहा है ना इसे एक्सप्लेन इस सेशन को सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ओके पेन पेपर लर्निंग ओके ऑप्शन सी नहीं यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा तुम्हारा ओके okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स पे क्लियर है यहाँ पे देखते हैं नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म सही बात है ना मेटाबॉलिज्म तो तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है नॉन लिविंग में तो होता नहीं है तो ये तुम्हारा सही है आगे बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एबसेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होता ही नहीं है ये भी सही है अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता है क्लियर है ना तो आंसर मिलेगा कि उसमें सेल का जो अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं है देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है सेल के अंदर हो रहे हैं रिएक्शंस तो सेल के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो फिर मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा भाई समझ रहे हो ना सो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर द असर्शन तो आंसर यहाँ पे दोबारा जाएगा ऑप्शन ए क्लियर है आगे बढ़े द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाबोलिक रिएक्शन कैन भी डेमोन्स्ट्रेटेड आउट साइड द बॉडी इन सेल फ्री ये तो तुम्हारा सही है स्टेटमेंट तो तुम्हारा सही है क्लियर है ना आगे बात करते हैं एंड आइसोलेटेड मेटाबोलिक रिएक्शन परफॉर्म्ड इन टेस्टिव इज नाइदर लिविंग नॉन non लिविंग क्लियर है ना ये भी तुम्हारा सही है ये भी तुम्हारा सही है बट इससे क्वेश्चन पूछ के देखो Metabolic रिएक्शन जो आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं वो इन सेल फ्री मेटाबोलिक रिएक्शन को हम सेल फ्री सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं तो ये तो सही है रीज़न uh, क्या दिया है कि आइसो आइसोलेटेड मेटाबोलिक रिएक्शन परफॉर्मड इन टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में जो परफॉर्म करते हैं वो क्या है नॉन लिविंग है uh, मतलब सॉरी नाइदर लिविंग नॉन लिविंग नॉर नॉन लिविंग है ये तो लिविंग रिएक्शन है ना ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सेक्शन से लिए गए हैं क्लियर है ना और इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे आंसर तुम्हारा चला जाएगा ऑप्शन बी चला जाएगा क्लियर है ना ओके okay. आगे बढ़ते हैं देन हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियस इंसिस्टेड दैट द साइंटिफिक नेम शुड बी लेटिनाइज ओके एंड रीजन सेज दैट दिस गिव्स ब्यूटी टू द नेम्स ये ब्यूटी तो देने के लिए थोड़ी ना होता है कि नाम को मतलब सुंदर लगाए इसलिए इसमें मतलब क्या कर दो उसको लेटिनाइज कर दो उसको लेटिन ऑरिजिन में ले आओ तो देखो ये तो स्टेटमेंट सही है बट ये तुम्हारा गलत है क्लियर है और एक सही एक गलत होता है तो तुम्हारा आंसर चला जाता है सी तो इसलिए यहाँ पे सेवेंटी एट का चला गया तुम्हारा आंसर सी क्लियर है ना आगे देखोगे सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर आशर्शन देखते हैं यहाँ पे हाँ ओके ओके सी बोल रहे हो किसका बोल रहे हो सी चलो आगे देखते हैं ईच रैंक और टैक्स रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये तो सही है तुम्हारा क्लियर है ना एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट तुम्हारा स्पेसिस होता है याद करो और हर रैंक या टैक्स या टैक्सोनॉमिक कैटोगरीज एक यूनिट तो रिप्रेजेंट करता ही है एक्चुअली क्लियर है ना आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटोगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स ये भी स्टेटमेंट देखो सही है तुम्हारा ये भी एनसीईआरटी का लिया गया बट इन इन दोनों में फिर से कोई रिलेशन नहीं है क्लियर है ना ये टेक्शॉन के बारे में दिया गया है और यहाँ पे उसका डिफिनेशन दे दिया गया है बेसिकली कि बायोलॉजिकल इंटिटीज़ हैं डिस्टिंग बायोलॉजिकल इंटिटीज़ हैं ना कि सिंपली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स के अकॉर्डिंग ये दिया गया है क्लियर है तो यहाँ पे भी रिलेशन नहीं है सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओके यहाँ तक समझे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं समझ गए यहाँ पे ओके okay? विंग हैज सेल्फ कॉन्सियसनेस तो ये तो बिल्कुल सही है ना ह्यूमन विंग के पास सेल्फ कॉन्सियसनेस होता है ह्यूमन इज एन ऑर्गेनिजम हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ ये भी सही है इससे क्वेश्चन पूछ के देखो ह्यूमन विंग के पास सेल्फ कॉन्सियसनेस क्यों है क्योंकि वो खुद के लिए अवेयर है तो बिल्कुल सही है ये सो दैट करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन ए एक्चुअली क्लियर है ना सेल्फ कॉन्सियसनेस तभी होगा ना जब वो खुद के लिए क्या होगा तो अवेयर होगा क्लियर है ना अपने आप को वो अपने आप के लिए वो अवेयर होगा ओके और ये सिर्फ ह्यूमन में ही पाया जाता है ये भी तुम्हें याद होगा इसलिए डिफाइनिंग करेक्टरिस्ट में नहीं आता है चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और बचे हैं पाँच छः जल्दी से देख लो असर्शन देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ सिनोनिमस है ये तो बिल्कुल सही है ना क्योंकि दोनों एक साथ ही हो जाता है यहाँ पे क्लियर है और यहाँ पे रीज़न क्या दिया है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ सेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ ये भी सही है नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ भी हो रहा है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है क्लियर है ना तो यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों साइनोनिमस है क्योंकि याद करो यूनिसेल और ऑर्गेनिजम में यहाँ से क्वेश्चन पूछो ना वाई क्लियर है तो आंसर तो यही मिलेगा ना कि अगर नंबर बढ़ रहा है दैट इज रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ रहा है दैट इज रिप्रोडक्शन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम है तो वहाँ पर जैसे ही उसका ग्रोथ होगा सिंपली वो नंबर में डिवाइड कर जाएगा जैसे ही नंबर बढ़ रहा है तो मास भी तो बढ़ेगा ना यहाँ पे इस तरीके से समझो मास भी बढ़ेगा और जब मास बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है एक तरह से क्लियर है तो इस तरह से यहाँ पे ये रीज़न को भी एक्सप्लेन मतलब सर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आगे बढ़ते हैं वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ इज नॉट टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं बिल्कुल सही बात है भाई नहीं रखते हैं क्लियर है ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो ग्रो बाई एकोमेशन ऑफ ऑन मेटेरियल ये भी सही है और ये आंसर भी दे रहा है देखो क्वेश्चन पूछो वाई तो बोलेगा क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो ग्रो करता है ना उसके बॉडी सरफेस पे चीज़ों का एकूमुलेशन होता है सब्सटेंस का और वो भी ग्रो करता है एक्सट्रेंज ग्रोथ तो इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं सो द आंसर विल बी हेयर ऑप्शन ए समझ में आया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटी थ्री पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सैनोनिमस इन अमीवा बिल्कुल सही है अमीवा क्या है तुम्हारा यूनिसेलर है ना और यूनिसेलर में अभी अभी पढ़े ना तुम कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन दोनों सेनोनेमस होता है रीजन क्या दिया अमीबा इज दियार बिल्कुल और यूनिसेलर है इसीलिए तो साइनोनीमस है तो रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है मतलब असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न सो ए विल बी द करेक्ट आंसर आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर देखोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बिल्कुल सही है ये क्लियर है ना एक दूसरे से लिंक्ड होते ही हैं क्लियर है आगे बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल ये कॉमन शेयर तो करते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट सही है अब इससे क्वेश्चन पूछ के देखो कि सारे ऑर्गेनिज्म जो अभी प्रेजेंट है जो पास्ट में प्रेजेंट थे और जो फ्यूचर में आएंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे ना तो आंसर मिलेगा हाँ अब क्वेश्चन है कि क्यों होंगे तो पता चला कि कहीं कही ना कहीं जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहा है हाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ शेयर कर रहा है लेकिन एटलीस्ट कर तो रहा है ना तो यानी कि ये असर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है सो ए विल बी द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फाइव असर्सन देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर एराइजेज ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ सेल ओके ये तो सही है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रजेंट इन कॉन्स्टिचुएंट सेल तो टिश्यू की प्रॉपर्टी हर एक सेल में थोड़ी प्रेजेंट होती है बिल्कुल नहीं ये तुम्हारा गलत स्टेटमेंट है क्लियर है ना और ये एनसीईआरटी ने लिखा भी था क्लियर है तो एक सही एक गलत है तो यहाँ पे हमें दिमाग ही नहीं लगाना है ए और बी वाला सिंपल सा आंसर जाएगा सी इफ एसेशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो एडी फाइव का तुम्हारा आंसर हो गया सी आगे बढ़ते हैं एटी uh, सिक्स देखते हैं साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन एग्रिड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाई आई सी बी एन ओके ऑल ऑर्गेनिज्म दिया गया है यहाँ पे चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं आई सी बी एन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोम क्लेचर ओके सो आई सी बी एन बायोलॉजिकल नोम क्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोम क्लेचर ICBN is International Code for इंटरनेशनल Nomenclature. फॉर बायोलॉजिकल नोम ओके बायोलॉजिकल नहीं यहाँ पे बोटेनिकल होना चाहिए ना बीफॉर बोटैनिकल होता है और यही अगर आई सी जेड एन होता तो वहाँ पर जुलॉजिकल होता ओके okay. और अगर यहाँ पर आई सी बी एन की बात कर रहे हैं तो ऑल ऑर्गेनिज़म नहीं आना चाहिए यहाँ पर सिम्पली प्लांट्स आना चाहिए समझ में आ रहा है दैट मीन्स दोनों के दोनों गलत हो गए हैं और जब दोनों गलत हो जाते हैं तो आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर डी में क्लियर है अब देखो क्वेश्चन ये लास्ट है आज का आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है क्लियर है ना इसके बाद अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का एम करवाएंगे कभी बाद में ओके और जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते ही चलोगे देख रहे हैं यहाँ पे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन पे बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स ओके तो आ, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था क्लियर है ना इसका नाम भी देखो मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ओके प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन तो ये किस पे बेच था एक मिनट सॉरी ये बेच था तुम्हारा कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या यूजेस थे उस पे भेजते हैं क्लियर है ना समझ में आया अब रीजन क्या दिया है इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड यानी कि रहने के लिए खाने के लिए क्लियर है ना और पहनने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी बेसिक तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई भी करते थे चीज़ों को तो बिल्कुल अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना सो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या चला जाएगा ए चला जाएगा क्लियर है ना यही तो रीज़न था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके और यहाँ पे देखो एक मिनट यहाँ पे मैंने आंसर की दे दिया है तुम्हें क्लियर है ना और इस सेशन के बाद मैं ये सेम क्वेश्चन तुम्हें टेलीग्राम पे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा क्लियर है और उसे तुम डाउनलोड करके बाद में भी इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो क्लियर है ना ये तुम्हारे ऊपर है क्लियर है इसमें तुम्हारे पी वाई क्यूज़ वगैरह जो भी थे मैंने डाल दिए थे इस क्वेश्चन में आ, मतलब इस सेशन में ओके सेकेंड चैप्टर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं सेकेंड में होंगे डेढ़ सौ दो सौ के क्वेश्चन आसपास तो आएंगे ही अब आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे क्लियर है ना तो आगे के सेशन में जुड़े रहना और जो भी अपडेट्स होता है मैं इस टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ लाइव का अपडेट हो या फिर वीडियो अपलोड करता हूँ उसके अपडेट्स हो या फिर कोई भी चीज़ जो चैनल से रिगार्डिंग होता है क्लियर है ना तो एक बार इस चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके ये ज्वाइन कर लेना ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना एक्चुअली और हमारा एक डॉट ग्रुप भी है हमारा एक डॉट ग्रुप भी है तो अगर तुम्हें कोई भी डॉट हो तो उस डॉट ग्रुप में तुम फोटो स्क्रीन शॉट लेकर क्लियर है ना फोटो लेकर या स्क्रीन शॉट लेकर फ़ोन में से क्लियर है ना तुम वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो या फिर टाइप करके भी पोस्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उसे एक बार जरूर दिन में ओपन करता हूँ किसी भी टाइम और जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका मैं आंसर भेजने की कोशिश करता हूँ क्लियर है ना तो यहीं तक बस आज का सेसन था फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ चलो फिर ठीक है बाय बाय टेक केयर